हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएम फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम सेंडोज इंजेक्शन। आज हम आपको कैल्शियम सेंडोज के यूज़, साइड इफेक्ट और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शो होने लगे। कैल्शियम सेंडोज इंजेक्शन, कैल्शियम सेंडोज में जो वो होता है साल्ट, हमारा कॉन्टेंट्स वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम लैक्टोबायोनेट। इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है 50 mg और कैल्शियम लैक्टोबायोनेट होता है 87.5 mg, 87.5 mg, और ग्लूकोनेट होता है 50 mg। ये इसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है कैल्शियम सेंडोज इंजेक्शन। और कैल्शियम सेंडोज का जो इसका यूज होता है, हाइपरकैलेमिया में होता है, हाइपमैग्नेशियमिया में होता है, हाइपोकैलेमिया में होता है। हाइपोकैलेमिया जो होता है उसमें हमारे शरीर में जो है ब्लड में जो है पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण कैल्शियम कम होने लगता है, जिसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। इसमें इसका यूज होता है कैल्शियम सेंडोज का। हाइपमैग्नेशियमिया में जो है हमारे शरीर में मैग्नेशियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिस कारण शरीर में ऐंठन होने लगती है, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। जैसे बच्चों में देखा होगा आपने, रेकेट्स हो जाता है, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, जिस कारण ये इसका कैल्शियम का यूज होता है इसमें जो सही कर सके। और हाइपोकैलेमिया में जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे जॉइंट में दर्द होना, हड्डियां कमजोर हो जाना, इसमें इसका इस्तेमाल होता है कैल्शियम का। और डॉक्टर जो है इसका इस्तेमाल अपनी उससे भी करा सकते हैं। और एक बार इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो चलिए जानते हैं इस इंजेक्शन को कैसे देना चाहिए, मतलब कितनी स्पीड में देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। प्रोकेशन, गिव स्लो ओवर 10 से 20 मिनट, मतलब इसे जो लगाना है आपको इंजेक्शन को 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर लगाना है। एनएस किड में डाल के लगा सकते हैं आप, एनएस जो आती है 100 ml की उसमें लगा सकते हैं, और लो बीपी में लगा सकते हैं आप इसका, और लो हार्ट रेट में लगा सकते हैं। जैसे दिल की धड़कन कम हो रही है और बीपी कम हो रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 20 मिनट में इसका मतलब इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। 10 ml का एम्पुल आता है, 10 ml का इंजेक्शन आता है। और इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, जैसे स्वेलिंग होना, पेन, स्टमक पेन होना, नॉर्मल सी साइड इफेक्ट हैं जो अदर इंजेक्शनों के होते हैं। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।